सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में कुछ दिन पहले से हम लोगों ने स्टार्ट किया है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, बेसिकली में ये हमारे पी सी आई के सिलेबस को फॉलो करके बनाई गई है। ठीक है, पहले पी सी आई के सिलेबस को हमने और हमारी टीम ने अच्छे से एनालाइज़ किया है, और जो यूनिवर्सिटी पी सी आई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उन सारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, और वहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन को सिलेक्ट करके अपनी सीरीज़ में रखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ए के टी यू पॉइंट ऑफ व्यू से, या अदर यूनिवर्सिटी जो कि पी सी आई के सिलेबस को फॉलो करती है। ठीक है, ये आपकी यूनिट वाइज रहने वाली है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकेंड के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ओके, अगर बात करते हैं ए के टी यू की, तो ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आपके 7 और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अदर यूनिवर्सिटी में जो आपका 7 मार्क्स का होता है उस जगह पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 मार्क्स का रहता है, लेकिन आपको कंटेंट सेम लिखना है। जो 10 मार्क्स का कंटेंट होगा वो आपको 15 मार्क्स में लिख देना है, और 7 मार्क्स वाला आपको 5 मार्क्स में लिख देना है। ठीक है, कंटेंट सेम ही रहेगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो इसके हम लोग सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो लेक्चर्स में, साथ ही साथ उसको हैंड रिटन नोट्स में भी आपको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर पाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर उसको आप वॉच करना चाहते हैं इन वीडियो लेक्चर्स, तो आप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक दे रखे हैं, आप वहां से जाके उसको भी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकेंड के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। बात करते हैं ए के टी यू की, तो ये 7 और 10 मार्क्स में आता है, अदर यूनिवर्सिटी में 5 और 15 मार्क्स का आता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये सीरीज आपकी रहने वाली है यूनिट वाइज। मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ, ये जो बेसिकली में आपकी सीरीज रहेगी वो लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, जिसमें आपको दोनों ही सीरीज को देख के जाना है। आज ये वीडियो आ रहा है ये लॉन्ग का आ रहा है, कल आपको इसका सॉल्व का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये दोनों सीरीज देख के जाते तो 100% हम लोग गारंटी लेते हैं कि आपके 75% to 85% क्वेश्चंस जो होंगे इसी सीरीज से फंस जाएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही फंसेंगे, लेकिन हम लोग इतना ही क्लेम कर रहे हैं। ओके, सो यानी कि आपके अच्छे परसेंटेज बनने के चांसेस हैं अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिस वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बात करते हैं ए के टी यू की, जो 10 मार्क्स में बनता है, और अदर यूनिवर्सिटी में ये 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन ये 100% ही पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। मतलब कि आपको ऑप्टिकल काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बतानी है कोलाइडल डिस्पर्जन की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन, एंड नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन, इसी तरीके से एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। ओके, ये अगर बात करेंगे ए के टी यू की तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, अगर सेपरेट पूछेंगे अदर यूनिवर्सिटी में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और अगर इसमें दो एक साथ पूछ लेते हैं तो ये 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफिशियंट है। ठीक है, अब इसमें एक हमने और भी क्वेश्चन दे रखा है दिस वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक्सप्लेन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। ओके, सो आपको इसमें क्या करना है कि कोलाइड को समझाना है और उसका क्लासिफिकेशन आपको बताना है। अगर बात करते हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो रहने वाला है नेक्स्ट दिस वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन डिस्पर्स्ड सिस्टम एंड क्लासीफाई इट। आपको डिस्पर्स सिस्टम बताना है, ठीक है, इसको डिस्पर्जन फेज जो होता है वही डिस्पर्स सिस्टम होता है। ठीक है, और उसको आपको क्लासीफाई भी करना है। ओके, अब बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो भी होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में ब्रीफ में बताते हैं आपको। देखिए जो न्यूटोनियन रहता है
उसमें आपका जो न्यूटन लॉ होता है वो क्या हो रहा होता है, फॉलो हो रहा होता है। नॉन न्यूटोनियन लॉ में आपका जो न्यूटन लॉ होता है वो फॉलो नहीं हो रहा होता है, तो वो ऐसे फ्लो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लो कहलाते हैं, और इस सिस्टम को हम लोग नॉन न्यूटोनियन सिस्टम बोलते हैं। ओके, एंड इसमें एक हमने और में क्वेश्चन और दे रखा है, दैट इज एक्सप्लेन द न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की, दिस वन, एक्सप्लेन थायोट्रॉपी एंड एक्सप्लेन थायोट्रॉफी इन फॉर्मुलेशन, मतलब कि थ्रिक्सोट्रॉफी। ओके, आपको एक्सप्लेन करना है थ्रिक्सोट्रॉफी को और थ्रिक्सोट्रॉफी इन फॉर्मुलेशन, मतलब कि उसके फॉर्मुलेशन को भी आपको बताना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, इसमें ग्राफ भी हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, द थर्ड वन इज एलिबरेट द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसमें मैंने एक और में दे रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड। ओके, बात करते हैं अपनी थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इमल्सन एंड राइट डाउन थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन, मतलब आपको इमल्सन बताना है और थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन बताना है। इसमें आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्या है, डिफाइन सस्पेंशन एंड राइट डाउन डिफरेंट बिटवीन फ्लैक्यूलेटेड एंड डीफ्लैक्यूलेटेड सस्पेंशन। देखिए, इसमें डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन बिटवीन द फ्लैक्यूलेटेड एंड डीफ्लैक्यूलेटेड सस्पेंशन, ये आपका 7 मार्क्स में पूछा जाता है, अदर यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स का। ठीक है, AKTU में 7 मार्क्स का। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन वाई HLB मेथड। HLB मेथड क्या है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस मेथड के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, राइट इन इमल्सन क्लासीफाइड, राइट इज इमल्सन, इमल्सन के बारे में लिखना और इसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन कैसे सेटल डाउन हो रहा है, नीचे बैठ रहा है, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये भी बहुत, सेटिंग ऑफ सस्पेंशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन, प्रिजर्वेशन और स्टेबिलिटी की अगर बात आएगी तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज बाय एड्रेसन अपरेटस के थ्रू इसको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ड्राइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। ठीक है, इसमें आपको ये भी बतानी है, ट्रू एंड बल्क डेंसिटी पोरोसिटी, इसमें है ना, इसको सॉल्ट फॉर्म, मतलब सॉल्ट करके बता देना है ब्रीफ में। नेक्स्ट, राइट डाउन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन सरफेस एरिया, आपको सरफेस एरिया के भी डिटर्मिनेशन बताना है। अब बात कर लेते अपनी लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट की, फिफ्थ यूनिट में जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, दिस वन, राइट डाउन द फिजिकल केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके, डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बताना है बाय थ्रू द फिजिकल एंड केमिकल मेथड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में यहां बताना है। एंड अदर, एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देखिए इसमें कोई भी एक पूछी जा सकती है आपसे, जीरो ऑर्डर भी पूछी जा सकती है, सेकेंड भी और फर्स्ट भी, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, कोई भी मतलब पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने तीनों ही लिख दी हैं। लेकिन अगर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये है जीरो ऑर्डर। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा पूछे थे, इसलिए मैं बता ही नहीं सकता इसमें कौन इम्पोर्टेंट, क्योंकि तीनों आई हुई हैं, बहुत बार आई हुई हैं। बात करते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन की, दिस वन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन सीडो ऑर्डर रिएक्शन, ये एक बार आपके AKTU में आई है, इसे मैंने लिख दिया है। एंड नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन फोटोलिटिक डिग्रेडेशन एंड इक्वेशन,
फोटोलिटिक डिग्रेडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए, हो सके तो अपने फ्रेंड तक भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके एग्जाम की, ठीक है। एंड मैं आपको फिर से एक बार ये देखिए बोर्ड, मैंने नोट इसको ऑलरेडी लिख रखा है इसमें, ये देखिए इसमें मैंने पहले ही लिख दिया है कि अगर आप हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ को नहीं देख के जाएंगे तो ईस्ट डी फार्मेसी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं शॉर्ट सीरीज़ को तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि इसमें आपके कैसे मार्क्स बनेंगे या कुछ भी। तो आपको दोनों सीरीज़ देख के जानी है, कल हमारा शॉर्ट का वीडियो आएगा तो उसको भी वॉच करना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे, ठीक है। एंड मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। और मैंने ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस सब्जेक्ट के जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनको मैंने अपडेट कर दिया है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है। ओके, सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।